दोस्तों नमस्कार। आज है उत्तराखंड का लोकप्रिय त्यौहार जो कि दिवाली के 11वें दिन बाद आता है, यगास। तो आज के ब्लॉग में मैं अपने यगास के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अमूमन हमारी जो शाम की पूजा है वो संपन्न हो चुकी है, हमने नैवेद्य वगैरह चढ़ा दिया है और इसके बाद हम बाहर जा रहे हैं। बाहर हम कैंडल वगैरह जलाएंगे और कुछ पटाखे जलाएंगे। वैसे पटाखे नहीं जलाने चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है, लेकिन छोटे बच्चे बच्ची है मेरे घर में तो उनकी थोड़ा सा जिद होती है कि फुलझड़ी वगैरह। वैसे हमें पॉल्यूशन फ्री एटमोसफियर में रहना चाहिए, पर ये खुशी का त्यौहार है और दिवाली से ज़्यादा धूमधाम से हम ये गास को मनाते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं यही दिखाने जा रहा हूँ कि ये गास किस तरह से मनाते हैं। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। चलो आज कुछ नया देखते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी जो पूजा है वो पूरी तरह संपन्न हो चुकी है। यहाँ पे हमने नैवेद्य वगैरह जो भी बनाया, पकवान वगैरह जो भी बनाए हैं, वो हम भगवान को भोग लगा चुके हैं। तो अब इसके बाद हम बाहर जा रहे हैं दिए और वो मोमबत्ती हमको जलाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। तो इस तरह से हमने कुछ कैंडल्स लगा दी हैं, ये देख सक बर्न फायरवर्क। सबसे पहले अनाज से शुरुआत करते हैं युगादि के शुभ अवसर पर। Thank you.
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल नमस्ते उत्तराखंड ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको यह गाज की हार्दिक शुभकामनाएं।